मित्रों, मैं डॉक्टर अजय विक्रम सिंह आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूं। और आज हम बात करते हैं कि काफी सारे लोग हमको पूछते हैं कि सर ये बेसल इम्प्लांट क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं कन्वेंशन इम्प्लांट क्या होता है। तो देखिए, हिंदुस्तान में बहुत सारे जो डेंटिस्ट हैं वो बेसल इम्प्लांट की प्रैक्टिस करते हैं। तो जब आप उन्हें कॉन्टेक्ट करते हैं तो वो कहते हैं बेसल इम्प्लांट बेहतर है साहब, इससे आप करवाइए, इस तरीके से हो जाता है, 2-3 दिन में दांत लग जाते हैं, इस तरीके से हो जाता है। कुछ लोग होते हैं जो कन्वेंशनल इम्प्लांट करते हैं, जब आप उनके संपर्क में आएंगे तो वो कहेंगे कि सब ये बढ़िया है, ये पुराना है, जांचा परखा है, बहुत समय से चला आ रहा है। देखिए, हम एक ऐसे दंत चिकित्सक हैं जो कि हर तरीके के इम्प्लांट करते हैं, कन्वेंशनल भी करते हैं, बेसल भी करते हैं। तो कन्वेंशनल में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बेसल में भी कॉर्टिकल में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, इसको कॉर्टिकल इम्प्लांट भी कहते हैं। ठीक है, तो अभी ये क्या है, एक्चुअली लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। मेरी राय यही है कि आप ये बेसल कन्वेंशनल इसके चक्कर में ना पड़े, इम्प्लांट इम्प्लांट होता है, जो आपको डेंटिस्ट आप अपना जो समझते हैं कि ये बेहतर डेंटिस्ट है, ये इस तरीके से जो है हमारा इलाज किस तरीके से कर सकते हैं बेहतर तरीके से, उसको जो है ना आप चुने और उससे इलाज कराएं। लेकिन फिर भी आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि ये कॉर्टिकल इम्प्लांट जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें क्या बेहतर है, कहां पर डेंटिस्ट ये सोचते हैं कि इसको इस्तेमाल करना है, और कहां पर कन्वेंशनल इम्प्लांट होते हैं उनकी क्या अच्छाइयां होती हैं, कहां हम सोचते हैं ये इस्तेमाल करना है। देखिए, ऐसे समझ लीजिए आप कि देखिए, अगर हम इस विवाद में पड़ेंगे कि बाइक अच्छी होती है या कार अच्छी, अब हम बहुत सारे लोगों के दिमाग में आएगा कार अच्छी होती है, लेकिन अगर किसी शहर की तंग गलियों में आप जाएंगे तो वहां बाइक अच्छी है, और जहां पे आपकी बहुत अच्छी रोड है, हाईवे है, बहुत अच्छा है, और आपको पूरे परिवार के साथ कंफर्ट के साथ जाना, तो कार अच्छी है। तो इसी तरीके से अगर आपको अपनी सेहत अच्छी बनानी है तो साइकिल अच्छी है। तो इसी तरीके से कहां पर क्या चीज एप्लीकेबल है उसके हिसाब से होना चाहिए। एक ऐसा पर्सन जो साइकिल की जगह पर साइकिल चलाए, मोटरसाइकिल की जगह पर मोटरसाइकिल चलाए, कार की जगह पर कार चलाए, वो ज्यादा बेहतर है, मैं समझता हूं। तो ऐसे ही एक जो दंत चिकित्सक, जैसे हमारे जैसे जो इम्प्लांट डेंटिस्ट होते हैं जो कई वर्षों से इम्प्लांट कर रहे हैं, उनके लिए इम्प्लांट इम्प्लांट है। आपके केस में कौन सी चीज बेहतर रहेगी वो डॉक्टर के ऊपर छोड़े, और इसमें खर्चे का बहुत ज्यादा कोई फर्क होता नहीं है। तो अब खर्चे के हिसाब से अगर आपको कोई डेंटिस्ट कहता है कि ये वाली तकनीक करूंगा तो ये सस्ती है, ये कराऊंगा तो ये महंगी है, ऐसा नहीं है कि बेसल लगाएंगे तो ये सस्ता है या ये कन्वेंशन लगाएंगे तो महंगा है, ऐसा कॉस्ट का बहुत ज्यादा कोई फर्क होता नहीं है। तो इसीलिए वो चुने जो आपके केस के लिए बेहतर है। लेकिन आज हम इसमें डिटेल में बात करते हैं कि बेसल इम्प्लांट जो आपके दिमाग में है, जो आपने हमसे पूछा है कि ये कॉर्टिकल इम्प्लांट या बेसल इम्प्लांट होते क्या है, तो आज हम इसमें बात करते हैं। दोस्तों, हमें देखिए कॉर्टिकल इम्प्लांटोलॉजी या बेसल इम्प्लांटोलॉजी को समझने से पहले सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जो हमारा शरीर है वो हड्डियों से बना है, और हड्डियां जो है ना, जो पूरे शरीर की जो हड्डियां होती हैं उसमें समझ लीजिए आप दो तरीके के पार्ट होते हैं। एक तो मजबूत पार्ट होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं कॉर्टिकल बोन। ठीक है, पूरी हमारी जो संरचना है वो थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए हम पहले बात यही करते हैं कि भाई जबड़े की बात करते हैं, ठीक है, अब जबड़ा देखेंगे तो इस तरीके से जबड़ा होता है, वो इसमें जो है दांत हमारे अंदर जबड़े की हड्डी में गड़े होते हैं, ऊपर से मसूड़े चढ़े होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं। अब जब हम जबड़े को देखेंगे अंदर से तो देखिए जबड़ा जो होता है वो क्या होता है कि ये आप देखेंगे तो अंदर जो है ना एक सॉफ्ट बोन होती है, मुलायम हड्डी होती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं कैंसलस बोन। ठीक है, या समझ लीजिए आपकी एक कमजोर हड्डी, और एक होती है कॉर्टिकल बोन। हम कॉर्टिकल इम्प्लांट की बात कर रहे हैं ना, तो हमें कॉर्टिकल बोन समझनी पड़ेगी सबसे पहले। तो चारों तरफ जो होती है वो होती है कॉर्टिकल बोन। अब जैसे मान लीजिए कि हम इसको, अगर हम जबड़े की हड्डी को अगर हम काट करके देखें तो अब आपको दिखाई देगा कि ऐसे अखरोट जैसी संरचना, समझ लीजिए हमारी जितनी भी हड्डियां होती हैं उनमें क्या होता है, बाहरी जो परत होती है ये परत, ठीक है, मैं थोड़ा और पास ले जा रहा हूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए, ये जो बाहरी परत होती है ये होती है मजबूत हड्डी जिसको बोलते हैं कॉर्टिकल बोन, लिखा है कॉर्टिकल बोन, और जो अंदर वाली हड्डी होती है इसको बोलते हैं स्पंजी बोन या ट्रेबुकुलर बोन। स्पंजी मीन्स स्पंज जैसी होती है, ठीक है, हमारी जो बोन होती है वो क्या होती है अंदर, वो स्पंज जैसी होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसका क्या महत्व है, हमारे जो दांत होते हैं अपने वो असल में हमारी जो स्पंजी बोन होती है वो उसी में होते हैं, और एक फाइबर होते हैं उनसे बंधे होते हैं जिनसे पेरिडोंटल लिगामेंट कहते हैं। आप ये दांत की संरचना देख रहे हैं, दांत जो होते हैं वो हमारे स्पंजी बोन में होते हैं, आप समझ रहे, ध्यान रखें। तो अभी क्या हुआ कि ये जो है ना, ये और देखेंगे तो देखिए पीछे की दाढ़ भी देखेंगे तो ये स्पंजी बोन में होती है, कॉर्टिकल बोन में नहीं होती, सिर्फ ऊपर की जो कॉर्टिकल बोन होती है वहां पर थोड़ा सा रहती है, बाकी कॉर्टिकल बोन में नहीं होती, ये स्पंजी बोन में होती है। तो अब हमने, जब हम सबसे पहले जब इम्प्लांट
जब इजाद हुआ तो सबसे पहले जो इम्प्लांट है वो लगाए गए इसमें कैंसिलस बोन में। अब इसकी पद्धति क्या है? इम्प्लांट की पद्धति ये थी कि भैया हम जो भी एक संरचना ऐसी टाइटेनियम की बनाएंगे, एक डॉक्टर ब्रेन मार्क हुआ करते थे, ठीक है, स्वीडन में। इन भैया ब्रेन मार्क ने क्या किया कि 1950s में, ठीक है, 1950 के आसपास, 1950 से 60 के बीच में, आपके लिए डेट कोई महत्व नहीं रखती, लेकिन उसमें क्या किया इन्होंने, इन्होंने कहा कि एक जो है ना टाइटेनियम की संरचना बनाई और एक जबड़े में लगा दी, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या थी पूरे विश्व में कि बिना दांतों के इंसान जो है ना कैसे रहे, तो कुछ बनाए। तो उन्होंने क्या किया कि ऐसे जो है ना एक टाइटेनियम की संरचना बनाई और जबड़े में लगा के देखी। जब जबड़े में लगा के देखी तो मालूम पड़ा कि जबड़े की जो हड्डियां होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं जबड़े की, जो हड्डी की, उन्होंने क्या किया, उसको पकड़ लिया, पकड़ लिया। जब उन्होंने 3-4 महीने बाद इसको निकालने की कोशिश की तो ये नहीं निकले। तो उन्होंने फिर ये जाना कि भैया ये टाइटेनियम होता है, ठीक है, ये जो है ना जबड़े की जो हमारी हड्डी होती है इसको पकड़ लेती है। इसलिए आप देखिए हड्डी वाले जो डॉक्टर होते हैं वो भी टाइटेनियम की प्लेट डालते हैं जब आपकी हड्डी कहीं से टूट जाती है उसको जोड़ने के लिए। इसी तरीके से फिर उसने इजाद किया कि भैया एक डेंटल इम्प्लांट तरीके से बना सकते हैं जिसके ऊपर हम फिक्स दांत बना लगाया जा सकता है, और जो हमारी जो जो हड्डी है इसकी कोशिकाएं कुछ समय में इसको हड्डी को इसको पकड़ लेती है इम्प्लांट को, और इम्प्लांट एकदम मजबूत हो जाता है, फिर आप निकाल नहीं सकते। अब बात यह आती है कि तब कॉर्टिकल बोन का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? हम तब सिर्फ स्पंजी बोन का इस्तेमाल करते थे। स्पंजी बोन का क्यों? क्योंकि स्पंजी बोन जो होती है उसकी अच्छाई ये है कि उसमें जो है ना एक तो छोटा इम्प्लांट लगाना पड़ता है, दूसरा क्या है कि उसमें जो स्पंजी बोन है उसकी हड्डी को इसको इम्प्लांट को पकड़ने की जो क्षमता है वो बहुत अच्छी होती है। वो धीरे धीरे पकड़ता है लेकिन पकड़ने की जो क्षमता है, मतलब जो स्पंजी बोन होती है पूरे हमारे शरीर की, कॉर्टिकल बोन की अपेक्षा में स्पंजी बोन होता है उसी में सारी खून की धमनियां कोशिकाएं सब रहती हैं, ठीक है, तो इसलिए उसकी जो है ना उसको भरने की क्षमता जो होती है वो फास्ट होती है। तो इसलिए क्वेंसिलस बोन का इस्तेमाल होता था जिस पर कि सबसे ज्यादा स्टडी हुई है, ठीक है। तो अब यहां तक हमने समझ लिया जो हमारे कन्वेंशनल इम्प्लांट है, ठीक है, ये एक तरीके का कन्वेंशनल इम्प्लांट ही है, ठीक है, तभी तो हम कॉर्टिकल इम्प्लांट समझ पाएंगे जब हम कन्वेंशनल इम्प्लांट समझेंगे। तो ये जो कन्वेंशनल इम्प्लांट है जो कि तकरीबन आप ऐसे समझ लीजिए कि तकरीबन 50 साल से हो रहे हैं, ठीक है, तो इन पर बहुत सारी स्टडी हुई है, इनके इंट्रीगेशन पे, इनके इमरजेंस पे, प्रोफाइल पे, कनेक्शन पे, इनकी सरफेस पे, इनकी सरफेस ऐसी बनाई जाती है कि हड्डी कोशिका इनको पकड़ लेती है, ठीक है। तो अब जो पुराना प्रोटोकॉल था वो यही था कि इम्प्लांट हमने लगाया, हड्डी की जब कोशिका इनको पकड़ ले तब इन पर दांत लगा दें, ठीक है। तो ये जो है ना जो तकनीक थी ये हो गई हमारी जो है ना जैसे दांत होते हैं उसी तरीके से इनको लगा दिया जाता है। अब आप यहां तक समझ गए कि हमारे जो है कैंसिलस बोन क्या होती है, कॉर्टिकल बोन क्या होती है, ठीक है, और जो हमारे कन्वेंशनल इम्प्लांट हैं वो किस तरीके से लगाए जाते हैं, उन पर किस तरीके से दांत लगाए जाते हैं, ठीक है। अब हमने कैंसिलस बोन को समझ लिया, कॉर्टिकल बोन को समझ लिया, ठीक है, और हमने इम्प्लांट समझ लिया कि कैंसिलस बोन में जो इम्प्लांट लगाए जाते हैं पुराने जो हमारे जो कन्वेंशनल जो इम्प्लांट हैं जो 50 साल से चल रहे हैं वो इम्प्लांट जो है इस तरीके की डिजाइन होती है। अब बात आई कि भैया हम जो कॉर्टिकल बोन है जो मजबूत हड्डी है उसमें जो है फंसा करके, क्योंकि एक जो सबसे बड़ी जो चैलेंज था कि भाई इम्प्लांट लगा के हमको वेट करना पड़ता था कि इम्प्लांट लगाए उसके समय हम कुछ महीने वेट करेंगे तब हम जो है उसको जो है ना उनके ऊपर दांत लगा पाएंगे, तो वो जो पीरियड था वो मरीज को पसंद नहीं आता था। तो अब फिर तकनीक आई बहुत सारी कि भाई अब क्या करें कि जो मजबूत हड्डी है उसको इस्तेमाल करें क्योंकि वो मजबूत है और तुरंत लोड लेने में सक्षम है। कैंसिलस बोन कभी कभी, अगर कैंसिलस बोन भी कभी कभी होती है कि तुरंत लोड ले सकती है, कई सारे इम्प्लांट लगा के आप लगा सकते हैं, देखिए डेंटिस्ट पे उनकी तकनीक पे निर्भर करता है। कभी कभी क्या होता है कि कॉर्टिकल बोन जो है ना वो एंगेज करें और उसको जो है ना उसमें जो है ना इम्प्लांट लगाएं। देखिए हम आगे दिखाते हैं जैसे इसमें, ठीक है, तो अभी देख रहे हैं इसमें कि ये जो इम्प्लांट है ये कन्वेंशनल इम्प्लांट है तो ये स्पंजी बोन में लगा हुआ है, ये कॉर्टिकल इम्प्लांट है तो देखिए नीचे जो कॉर्टेक्स या बेसल बोन है या कॉर्टिकल बोन है वहां पे इसको कस दिया गया है, तो जिससे क्या है अगर इस पर हम तुरंत लोड डालेंगे तो ये जो जो है ना ज्यादा बेहतर तरीके से लोड लेती है जो कॉर्टिकल बोन है। तो ये इस तरीके से जो है ना इम्प्लांट की, इनकी जो जो कॉर्टिकल इम्प्लांट होते हैं इनकी जो संरचना होती है या बेसल इम्प्लांट होते हैं इनकी संरचना अधिकतर इस तरीके से होती है। बहुत सारी कंपनी इनको बनाती हैं, अलग अलग इनकी डिजाइन होती हैं, किसी में थ्रेड बहुत ज्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं एंगेजमेंट के लिए, कभी किसी में क्या होता है कि आपके जो है ना ये पॉइंटेड होता है, बहुत ईजी जो है ना प्लेसमेंट होता है, जैसे बहुत सारी देखिए कार हैं तो अलग अलग तरीके की कार होती है, मोटरसाइकिल अलग अलग तरीके की मोटरसाइकिल होती है, इस तरीके से हर चीज में बहुत सारे क्वालिटी आती है और कॉस्ट के हिसाब से उनकी डिजाइन
और वगैरह जो इसे बनाते हैं। अब आप देखेंगे कि जैसे ये कॉर्टिकल बोन है, ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, इसको टारगेट करते हैं कि कॉर्टिकल बोन में फंसाया जाए, और कॉर्टिकल बोन में फंसा करके, अच्छा एक अच्छी बात होती है कि बेंडेबल होते हैं, इनको मोड़ सकते हैं, जैसे हमने यूं लगा लिया इम्प्लांट, उसके बाद मोड़ लिया जिससे कि सीधे करके दांत लगाए जाए, ठीक है। इन कॉर्टिकल इम्प्लांट की भी कुछ लिमिटेशन होती है, वो हम आपको डिस्कस करेंगे, इनकी अच्छाइयाँ और कैंसिलस जो इम्प्लांट होते हैं उनकी अच्छाइयाँ, इनकी खराबियाँ, उनकी खराबियाँ, वो सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आप सबसे पहले ये समझ लें कि कॉर्टिकल कैंसिलस जो कन्वेंशनल इम्प्लांट है, जैसे ये कन्वेंशनल इम्प्लांट, ये एक्चुअली इम्प्लांट क्या है, एक टेक्निक समझ लीजिए कि ये जो है शॉर्ट इम्प्लांट टेक्निक है, और एक लॉन्ग इम्प्लांट जो है ना जो कॉर्टिकल बोन तक जाने की टेक्निक है। अभी ये जो इम्प्लांट है इनकी भी डिजाइन ऐसी आ गई है कि ये और लंबे इम्प्लांट आ गए जो इनसे भी ज्यादा लंबे लंबे होते हैं, जिनको भी कॉर्टिकल बोन तक लगाया जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे, जैसे ऑल ऑन फोर टेक्निक में होता है, टेरिगॉइड इम्प्लांट में होता है, तो काफी सारे केस, जब मैं आपको अभी अंत तक वीडियो देखेंगे तो मैं आपको बहुत सारे अपने केसेस दिखाने वाला हूं जिसमें कि कहीं हमने कॉर्टिकल यूज किए, कहीं कैंसिलस यूज किए, क्यों यूज किए, ठीक है, तो उसका भी आपको अच्छा जो है वो उदाहरण देखने को मिलेगा, एक ही केस में कॉर्टिकल कैंसिलस दोनों यूज किए, ठीक है। तो ऐसा, तो इसीलिए कहा जाता है कि इम्प्लांट होता है, इसको बहुत ज्यादा पेशेंट को इसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए कि हमें कौन सा इम्प्लांट कराएं, क्या कराएं, वो डॉक्टर को डिसाइड करने दें। आप उनसे बस ये पूछ सकते हैं कि भैया हमको जैसे जल्दी दांत लग सकते हैं, तो जल्दी दांत लगने की जो है ना वो ये होता है, कॉर्टिकल कैंसिलस दोनों इम्प्लांटों में, हम कन्वेंशनल इम्प्लांट दोनों में हम इमीडिएट लोडिंग कर सकते हैं आज के समय में, ठीक है। तो एक जो कॉर्टिकल इम्प्लांट की डिजाइन होती है वो ये होते हैं। एक दूसरा जो इसका अच्छा पार्ट होता है वो ये होता है कि ये स्मूथ सरफेस होते हैं, ठीक है, ये पॉलिश सरफेस होते हैं। तो कभी कुछ मरीज होते हैं जिनको पायरिया की बहुत शिकायत होती है, उनके दांत बहुत भयंकर पायरिया होता है, तो पायरिया के कीटाणु बहुत होते हैं, तो उन केस में इन्फेक्शन हो रहा है, पस आ रहा है, तो इसमें इन्फेक्शन लेने के जो चांस होते हैं वो कम होते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन जो कीटाणु होते हैं वो रफ सरफेस पर चिपकते हैं, स्मूथ सरफेस पर, पॉलिश सरफेस पर चिपकते नहीं है, तो इसलिए ये इम्प्लांट पायरिया वाले मरीजों के लिए बेहतर होते हैं, ठीक है। दूसरे जैसे शुगर वाले मरीज हैं, ठीक है, डायबिटीज वाले मरीज हैं, ठीक है, अब उनको जैसे इम्प्लांट करने, ओरल हाइजीन भी बहुत अच्छा नहीं है, बड़े बूढ़े हैं, इजी तरीके से करना है, तो उनके लिए अगर फुल माउथ करना है, पूरे मुंह में लगाने या फ्रंट के कुछ दांत लगाने हैं, तो इनको जो है इम्प्लांट को इस्तेमाल किया जा सकता है। एक जो है ना सबसे बड़ी जो एक खराबी है कि इसको सिंगल एक दांत लगाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो हड्डी को पकड़ने की जो क्षमता है, ठीक है, वो कन्वेंशनल इम्प्लांट रफ सरफेस की ज्यादा होती है, स्मूथ सरफेस की कम होती है। ये ऐसे समझ लीजिए फंसाव इसका ज्यादा होता है, पकड़ इसकी ज्यादा होती है, लेकिन लंबे समय के लिए जब हड्डी की कोशिकाएं जो पकड़ती हैं वो उस इम्प्लांट को ज्यादा पकड़ती है, इसको कम पकड़ती हैं, लेकिन शुरुआती लोड लेने की जो क्षमता होती है वो इनकी ज्यादा होती है। तो ये सब बहुत सारे पॉइंट हैं जो डॉक्टर दोनों करने में जो डॉक्टर सक्षम है और जो बरसों से करते आ रहे हैं हमारे जैसे डॉक्टर, वो समझ पाते हैं कि हमें कौन सी चीज कहां इस्तेमाल करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि जो इनको जो है ना कॉर्टिकल बोन तक, नीचे कॉर्टिकल बोन तक ले जाकर के फंसाया जाता है, चाहे वो साइड में फंसाया जाए या नीचे ले जाके फंसाया जाए नर्व को बाईपास करके, और इसको कैंसिलस बोन में रखते हैं। ये साधारणतया नॉर्मल जो है टेक्निक है। अब हम बात करेंगे, बहुत सारी डिजाइन होती है इनमें, कॉर्टिकल इम्प्लांट में भी बहुत सारी डिजाइन होती है और कैंसिलस में भी, तो इसका कॉस्ट का सबसे पहले क्लियर कर देंगे, कॉस्ट से इसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। जो भी इम्प्लांट होते हैं जैसे हमने पहले वीडियो में बताया आपको, पर इम्प्लांट के हिसाब से 15,000 से लेके 45,000 रुपए तक का इम्प्लांट हो सकता है। डॉक्टर को वो कितना खरीद पड़ रही है, कैसी डिजाइन है, आपका केस कैसा है, उसके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। उसके ऊपर लगने वाले दांत की जो कीमत है वो 4,000 रुपए से लेके 20,000 रुपए तक हो सकती है, क्योंकि अनगिनत तरीके के दांत हैं, आपके जरकोनिया के दांत होते हैं, मेटल फ्री में बहुत सारे कैडकेम के दांत होते हैं, ग्लास सिरेमिक के होते हैं, ऐसे ही फिर मेटल जो है ना कॉम्पोजिट के दांत होते हैं, मेटल सिरेमिक के दांत होते हैं, बहुत सारे तरीके के होते हैं। तो डॉक्टर क्या इस्तेमाल कर रहे हैं ये उस पर डिपेंड करता है। जो केस फुल माउथ के होते हैं वो इम्प्लांट के हिसाब से नहीं होते, ठीक है, उसमें क्योंकि कभी कभी ज्यादा इम्प्लांट लगाने पड़ जाते हैं, कभी कम इम्प्लांट लगाने पड़ जाते हैं, तो एक लमसम जो है ना प्राइस रखी जाती है, जो एक जबड़े का जो खर्चा होता है वो 1.5 से 3 लाख रुपए के करीब हो सकता है, जिसमें चाहे वो कन्वेंशनल इम्प्लांट लगाएं चाहे वो बेसल इम्प्लांट लगाएं, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, हमारी प्रैक्टिस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब लोग अलग अलग तरीके से, डेंटिस्ट जो केवल कॉर्टिकल इम्प्लांट करते हैं वो कॉर्टिकल इम्प्लांट का नाम लेकर के मरीज को मोटिवेट कर सकते हैं, ये अच्छा है तो हम ऐसे कर देंगे इसको, जो कन्वेंशनल करते हैं वो कहते हैं ये खराब है ये अच्छा है तो हम ऐसे कर देंगे, हमारे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। दोनों ही तकनीक बहुत सक्सेसफुल है, बशर्ते कौन सी तकनीक कहाँ की जाती है इस पर जो है निर्भर करता है।
आप जो है ना कौन सी तकनीक कहाँ करते हैं इस पर निर्भर करता है, उसके सफलता उसी पर निर्भर करती है। तो ये डॉक्टर क्या चुनता है आपके केस को देखते हुए और किस हिसाब से करता है, उसके हिसाब से उसका जो है ना उसकी सफलता का जो है ना आप ग्राफ होता है। ठीक है, अब देखिए कन्वेंशनल इम्प्लांट जो होते हैं उनमें भी बहुत सारी डिज़ाइन इम्प्रोवाइज की गई हैं। जैसे ये डिज़ाइन देखें तो लंबे भी इम्प्लांट होते हैं, ये इम्प्लांट देखें लंबे भी इम्प्लांट होते हैं, ऊपर इनकी रफ सरफेस रखी जाती है जिससे हड्डी जो है ना बहुत अच्छे से पकड़ें, और यहाँ जो जहाँ पर हमारा दांत लगता है जहाँ मसूड़ा जहाँ पर पारिया के कीटाणु अक्सर चिपकते हैं वहाँ पर इसको पॉलिश सरफेस रखा जाता है। इसी तरीके से जैसे कि मतलब जो बेसल इम्प्लांट में होता है या कॉर्टिक इम्प्लांट में होता है, तो अब इसमें जैसे ये डिज़ाइन देखेंगे तो इसमें डिज़ाइन में दोनों एडवांटेज हैं कि भैया अब हमारे पास क्या है कि जो कन्वेंशनल की हड्डी अच्छी पकड़ने की जो क्षमता है वो भी है और पारिया के कीटाणु न चिपके उसकी भी है। तो ऐसे ही कंपनी क्या करती है कि जैसे जैसे रिसर्च होती जाती है वैसे वैसे नई नई डिज़ाइन आती जाती है। अब कौन सा इम्प्लांट किस जगह पर लगाया जाए ये डेंटिस्ट डिसाइड करते हैं, इसको मरीज से बहुत ज़्यादा डिस्कशन की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि मरीज को कॉस्ट का फैक्टर से कोई वो नहीं होता, उनको रहता है कि कॉस्ट कितनी लगेगी और दांत कब लगेंगे, ये दो होता है। ठीक है, अब कैसे किसी मरीज का डिमांड होता है कि भाई ये दांत सुंदर तरीके से लगें, कुछ कहते नहीं चबाने खाने के लिए जल्दी दांत चाहिए, तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, मरीज की उम्र क्या है, उसके मसूड़ों की कंडीशन क्या है, अगर पतली है हड्डी ठीक है और हमें यह है कि भैया हमें ग्राफ्ट नहीं करनी है हड्डी नहीं बनानी तो उसमें कॉर्टिकल इम्प्लांट, क्योंकि कुछ पतले इम्प्लांट होते हैं तो पतली हड्डी में चले जाते हैं ऊपर जाके कॉर्टिकल में एंगेज हो जाते हैं। ठीक है, तो बेसल बोन में एंगेज हो जाते हैं। अब ये जो इम्प्लांट हैं इनमें जैसे मान लीजिए ये वाली डिजाइन लगानी है तो यहाँ पर पूरा हड्डी में कवर होना चाहिए, कम है तो हम जैसे और वीडियोज में हमने बताया वहाँ पर हड्डी की ग्राफ्टिंग करनी है। ठीक है, लेकिन हमें मोटी हड्डी भी दिखानी है जिससे मसूड़ा अच्छा दिखे, तो उन केस में फिर हम ये इस्तेमाल करेंगे। जिन केस में सिर्फ दांत लगाने हैं जल्दी से उतना कॉस्मेटिक का नहीं है तो उनमें फिर ये इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, या फिर बेसल इम्प्लांट इस्तेमाल करेंगे। तो अब ये देखिए हमारे एक मरीज जिनके पीछे दांत नहीं है सिर्फ आगे आगे दांत बचे हैं, चबाने खाने में बहुत दिक्कत होती है। अब इनके लेकिन मसूड़े देखें तो देखिए मसूड़े पक्के हैं, पारिया वाले मसूड़े नहीं है, इन्फेक्शन नहीं लेंगे, पक्के वाले मसूड़े हैं और जो हड्डी भी ठीक ठाक थी। तो अभी इनके में देखिए क्या किया हमने, कन्वेंशनल इस्तेमाल किए इम्प्लांट। ठीक है, और ये देखिए बिना चीरे टाँके के नीचे इम्प्लांट लगे हुए हैं। अब कन्वेंशनल इम्प्लांट देखिए नीचे लगे हुए हैं, एक्सरे में देखेंगे ऊपर जो है कन्वेंशनल इम्प्लांट है लेकिन लंबे वाले इम्प्लांट हैं जो कॉर्टिकल बोन तक पूरा एंगेज हो रहे हैं, जो है पकड़ जिनकी बहुत अच्छी होती है। तो हम कन्वेंशनल इम्प्लांट को भी इसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए दांत लग गए इनके एक हफ्ते में दांत लग गए फिक्स रूप से और अपना आराम से खाना पीना शुरू हो गया, देखिए एकदम सुंदर बढ़िया स्माइल हो गई। एक और मरीज देखिए, इनके क्या है कि पारिया से जो है दांत खराब हुए हैं और बहुत ज़्यादा पारिया है, तो पारिया में क्या है मसूड़े भी बहुत ख़राब हैं। ठीक है, अब आप देखें इन मसूड़ों से पस निकल रहा था, मसूड़े फूले हुए हैं, पस निकल रहा है, देखिए मसूड़े बिल्कुल खिसके हुए हैं, कमज़ोर क्वालिटी के मसूड़े हैं, पारिया सारे मसूड़ों को खा जाता है, ख़राब कर देता है। अब एक्सरे लिया तो देखा कि सब इनके तो हड्डी बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो अब बेसल बोन है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे केस में जल्दी से दांत भी देने हैं तो मरीज़ के देखिए बेसल बोन लगाएं, बेसल इम्प्लांट लगाए हैं जिनको कॉर्टिकल इम्प्लांट भी कहते हैं। ठीक है, अब यही होता है कि देखिए मसूड़े एकदम स्वस्थ हो गए, लगा दिए दांत निकाल दिए बिल्कुल सही हो गए, और देखिए ऊपर नीचे सारे कॉर्टिकल इम्प्लांट लगा करके हमने जो है एक हफ्ते में इनके दांत लगा दिए। तो आपने देखा कन्वेंशनल इम्प्लांट पे भी एक हफ्ते में हमने दांत लगा दिए, कॉर्टिकल इम्प्लांट पे भी एक हफ्ते में दांत लगा दिए, देखिए बिल्कुल सुंदर तरीके से दांत लग गए। आगे जो है ना पारिया से इन पर इफेक्ट होने का भी डर नहीं है। ठीक है, जैसे मसूड़े कमजोर थे साफ सफाई रखें, आराम से देखिए सुंदर स्माइल हो गई, खाना चबाना बिल्कुल शुरू हो गया। तो ये बहुत बेहतरीन तकनीक है ये भी। अब ये महिला देखिए इनके पारिया से सारे दांत खराब हो गए, अब देखिए इनको चबाने खाने में दिक्कत होती है, सारे दांत हिलते हैं और मसूड़े देखिए कितने फूले हुए हैं और बाहर की तरफ ये दांत ऐसे भाग आते हैं कि जो है ढीले हो जाते हैं, बाहर की तरफ भागते हैं तो लुक बहुत ख़राब हो जाता है, महिलाओं के लिए तो बहुत परेशानी वाली बात है, देखिए कितनी गंदगी जमा है, कितने मसूड़ों में इन्फेक्शन है। ठीक है, तो ये पारिया तो बुरा हाल कर देता है दांतों का, सारे दांत झूठने हिलने लग जाते हैं और जो लुक होता है वो बहुत ख़राब हो जाता है, मसूड़ों से देखिए फूल रहे हैं, उनसे पस आ रहा है। ठीक है, अब ऐसे मरीजों में देखिए बाहर की तरफ दांत निकल आते हैं तो इससे लुक बहुत ख़राब रहता है, मुंह भी बंद नहीं कर पाते, तो महिलाओं के लिए बहुत शर्म वाली बात हो जाती है। आपके भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जान पहचान महिला पुरुष, इस तरीके की स्थिति हो जाती है। अब महिलाओं के लिए तो बहुत दिक्कत वाला काम है। तो ये है कि अब एक हफ्ते में हमें ऐसी कंडीशन में दांत लगाने, देखिए ऊपर नीचे सारे कॉर्टिकल इम्प्लांट लगाए और हमने देखिए एक हफ्ते के अंदर जो है इनको दांत फिक्स दांत एक करके दे दिए, अब खाने चबाने के लिए अच्छा हो गया, इनकी स्माइल अच्छी हो गई, अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो यह इसी तरीके से किया जा सकता है। बहुत सारे महिला को देखिए पारिया से ग्रसित है बहुत ज़्यादा, देखिए कितने मसूड़े फूले हुए हैं, अभी बहुत कोई भी सोच भी नहीं सकता कि इसमें हम एक हफ्ते में दांत लगा सकते हैं इम्प्लांट लगा करके। देखिए नीचे भी कॉर्टिकल इम्प्लांट लगाए हैं, ठीक है दांत लगा दिए, अब आप ऊपर देखिए तो मसूड़े दांत निकालने के बाद भी कितने फूले हुए हैं, ऐसे में दांत अगर लगाएंगे तो बहुत ख़राब लगेगा,
बाद में भी बहुत अच्छा लुक नहीं आएगा। तो देखिए, हम कॉस्मेटिक को लेकर भी बहुत सोचते हैं कि मरीज को सुंदर दांत दिए जाएँ, न कि सिर्फ चबाने खाने के लिए। अब आप देखिए, इनके इम्प्लांट लगाने के बाद में दांत देखिए, एकदम सुंदर स्माइल होगी, सारे मसूड़े हम ऊपर ले गए, ठीक है, हटा दिए गए लेजर से, ट्रीटमेंट से, और ये देखिए सारे कॉर्टिकल इम्प्लांट ऊपर नीचे कॉर्टिकल बोन में एंगेज करके, और एक हफ्ते के अंदर दांत लगा दिए गए, मरीज भी प्रसन्न है, खाना चबाना शुरू हो गया आराम से, और बहुत जल्दी इलाज हो गया। अब आप ऐसे देखेंगे, देखिए पहले का देखिए इनका फोटो, ये किस तरीके से हमारे पास आई और एक हफ्ते बाद किस तरीके से गई, ठीक है। तो ऐसे मरीज होते हैं जो एकदम बढ़िया तरीके से। तो आपने देखा इस तरीके से बहुत सारे केसेज हैं और हज़ारों केसेज हैं हमारे पास, इतने वर्षों से करते आ रहे हैं। तो देखिए, कॉर्टिकल या बेसल या कन्वेंशनल कौन सा इम्प्लांट क्या इस्तेमाल किया जाए, मैं फिर से कहूँगा कि आप ये डेंटिस्ट पर छोड़ें। कौन सी चीज़ कहाँ बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो सकती है, उस तरीके से डेंटिस्ट जो है ना, आप बस डेंटिस्ट अच्छा सुने चुने जो कि आपका बेहतर तरीके से काम करके दे सके, मजबूत और सुंदर तरीके। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? हमने कोशिश की है कि आपको पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन देने की, और बहुत टेक्निकल चीजों में जाने से तो ये होता है कि आप कंफ्यूज होंगे, और ऑब्वियसली बात है कि भाई जो डॉक्टरी इतने समय में बस पढ़ी जाती है वो आपको नहीं समझाई जा सकती, लेकिन कोशिश हमने की है कि लेमन लैंग्वेज में आपको समझाने की बेसिक जो डिफरेंस है वो क्या है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इसको प्लीज शेयर करें अपने दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को शेयर करें, किसी को भी आवश्यकता हो सकती है इस तकनीक को कराने की। और दूसरा जो है, हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे जो नए नए वीडियो है वो आपके आते रहे। देखिए, दांतों की समस्या सबको रहती है, हम केवल इम्प्लांट पर वीडियो नहीं बनाते, बहुत सारी तकनीक है जो हम करते हैं, कैडकैम कैप्स है, वो दांतों में कीड़े लगे हैं उनका इलाज है, और जो है आपके टेढ़े मेढ़े दांत है उनका इलाज है। तो दुनिया में जितने भी इलाज होते हैं दांतों से संबंधित वो सब हमारे यहाँ होते हैं, और तो उसकी जानकारी है, तो हम आपसे जो है जानकारी शेयर करते रहते हैं, और दांतों को कैसे साफ सफाई रखा जाए, कैसे मेंटेन किया जाए। तो हमारे वीडियो जो है शेयर जरूर करें, आप इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर फिर उसके बाद भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप जो है ना हमको ये व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया है इस पर हमें संपर्क कर सकते हैं, इस पर लिख सकते हैं कि हमारी ये समस्या है और इसके लिए हमें क्या, हमारा जो है निदान हो सकता है, क्या बेहतर इलाज हो सकता है, आप हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।